वो अभी भी जारी है उनका। कल वो लाडली बहनों के बीच थे, आज लोगों के बीच पहुंच गए। उनके बायो में सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जा चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनके साथ वो जुड़ाव जो है वो अभी भी बना हुआ है। और उससे पहले भी हम देखते थे जब वो कार्यक्रमों में पहुंचते थे तो लोगों के बीच जरूर जाते थे। आज जब गाड़ी से निकल रहे थे तो उन्हें वहां पर लोगों ने घेरा, तो उसके बाद गाड़ी रोकी उन्होंने और गाड़ी से बाहर आ गए। तो इस चीज से गुरेज नहीं करते हैं और इसीलिए एक पब्लिक लीडर के रूप में उनकी पहचान बनी। लोग लगातार उनसे मिलना चाहते थे, गाड़ी को लगातार वो रोकने की वहां पर बात करते हुए नजर आए। लेकिन उधर से दोनों तरफ से लोग आने शुरू हो गए और शिवराज सिंह चौहान का जब काफिला यहां से निकल रहा था तो ये भोपाल से तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और कई नेता ऐसे हैं जो शीशा बंद करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान थोड़े अलग उनमें। और यहाँ पर जब आशीर्वाद देने की बात आई तो वो आशीर्वाद भी लिया, उनके चेहरे पर वो भावुकता तो दिखी रही है। जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं वो भावुकता साफ तौर पर कल भी नजर आई जब वो उन महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, और आज भी वो भावुकता उनके चेहरे पर दिख रही है। हालांकि देखिए पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता वो हमेशा अपने आप को दिखाते हैं, संगठन का आदमी दिखाते हैं, और जब भी वो शपथ ग्रहण हुआ हो तो उस समय भी एक मुस्कुराहट के साथ वो लगातार मोहन यादव के साथ दिखे। और क्योंकि उनके नाम का प्रस्ताव रखा था तो आशीर्वाद भी दिया, तो वहां पर वो अनुशासन दिखाने की कोशिश भी करते हैं प्रगति, लेकिन जो उनका कनेक्ट है वो कनेक्ट तो रहता ही है। और देखिए यहाँ पर लोगों के बीच वो पहुँच गए अपनी गाड़ी में, फिर उसके बाद गए तो लोगों से मिलते हुए गए, और यही चीज शायद शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाती थी इतने सालों तक। और इस बार भी जो चुनाव के रिजल्ट रहे वो हमने देखा कि किस तरह के। बिल्कुल, महिलाओं ने शिवराज का काफिला रोक दिया, मामा मामा के नारे लगाती नजर आई। आज भी उनका एक बड़ा बयान सामने आया जहां बोलते नजर आए कि जस की तस धर दीनी चदरिया, और इसका अर्थ भी समझाने की कोशिश उन्होंने की जब मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए दिखाई दिए थे। और इस वक्त की ये जो तस्वीरें राजधानी भोपाल से आप लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर भी अपने अंदाज में शिवराज सिंह चौहान नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया है, महिलाओं ने उनका काफिला रोक दिया, मामा मामा के नारे लगाती वो दिखाई दी। और देखिए शिवराज सिंह चौहान जो कि एक संवेदनशील नेता माने जाते हैं अपने अंदाज में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफिला रोककर नीचे उतरे और उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सोनाली हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सोनाली देखिए वैसे तो लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री की भूमिका में यहाँ पर रहे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वो जो बीच में 15 महीने का गैप आया जब वो विपक्ष में थे उस समय भी बहुत एक्टिव दिखे थे, और अब जब सरकार बेशक बीजेपी की है लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है, लग ऐसा रहा है कि उनकी सक्रियता कम होगी, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा शायद होने वाला नहीं है क्योंकि एक बार फिर से वो लोगों के बीच दिखाई दिए। सोनाली बिल्कुल, लोकेंद्र शिवराज सिंह चौहान की देखिए लोकप्रियता के बारे में अगर कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, और जिस तरीके से जनता के साथ उनका जो कनेक्ट होता है, जो उनका जुड़ाव होता है, वही उनको सबसे अलग बनाता है। और जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वहाँ पर पहुँचे और जनता ने उन्हें किस तरीके से घेर लिया, मामा मामा के यहाँ पर नारे भी लगाए गए, उनका काफिला रोका गया। अमूमन जो नेता होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, और यही जो उनका बर्ताव है लोगों के प्रति वही उनको अलग बनाता है। और शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो एक ज़मीनी नेता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, कितनी सभाएँ की, खासकर दीदियों से जो उनका कनेक्ट होता है, जो बहनों से उनका कनेक्ट होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए भले ही शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन उनकी लोकप्रियता, जो जनता का प्यार है उनके प्रति, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आज भी वो सक्रिय हैं, और कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो उन्होंने सभी का धन्यवाद जाहिर किया था, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जताया था, पीएम मोदी का भी वो धन्यवाद करते हुए नजर आए थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि एक कार्यकर्ता के तौर पर वो प्रदेश की जनता की सेवा करता है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास इस वक्त की एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में नई टीम के साथ पीएम की बैठक, सीएम और डिप्यूटी सीएम के